राजस्थान के भीलवाड़ा में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। भीलवाड़ा में आज सुबह कोरोना वायरस के 5 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भीलवाड़ा में कोरोना के मामले बढ़कर के 11 हो चुके हैं। इनमें से 3 डॉक्टर और बाकी 8 निजी अस्पताल का स्टाफ बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कर्फ्यू का पालन न करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। भीलवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव के 5 और नए केस मिलने के बाद अब इनकी संख्या 11 हो गई है। ये सारे के सारे 3 इसमें डॉक्टर हैं और 8 नर्सिंग कर्मी हैं। ये सभी एक निजी चिकित्सालय में कार्यरत थे और इनमें से 2 डॉक्टर तो जयपुर के SMS और 1 निजी चिकित्सालय में भर्ती है, बाकी सारे भीलवाड़ा में भर्ती है। आज इनकी रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन और ज़्यादा अलर्ट मोड पर आ गया है। पूरी तरह से शट डाउन आप देखिए, कर्फ्यू लगा हुआ है, सारी दुकानें बंद हैं आप देख रहे हैं। फिर भी जो जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने लोगों से अपील की है कि वो घरों से ना निकले। कर्फ्यू में जिस तरह की सख्ती की जाती है वैसी सख्ती नहीं की जा रही, बट लोगों से अपील की जा रही है। यहाँ पूरी तरह से पुलिस प्रशासन तैयार है, सारी व्यवस्था कर दी गई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक तरह से नया हॉस्पिटल प्रशासन ने बना दिया, 500 बेड तक की क्षमता का वहाँ हॉस्पिटल तैयार किया गया, जिससे लोगों को आइसोलेशन में वहाँ रखा जा सके। जनता से अपील की जा रही है कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र कर्फ्यू लगाया हुआ है, कर्फ्यू का पूर्ण रूप से पालना करें, लेकिन पब्लिक जो है अभी भी इसके बारे में अवेयर नहीं है और ये लोग कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं। इनके साथ अब सख्ती से पेश आया जा रहा है और जो भी व्यक्ति बाहर आ रहा है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है।